चंद्रपुर जिले के कोरपना में आदिवासी नाबालिग मासूम छात्रा पर कांग्रेस के युवा शहर अध्यक्ष अमोल लोढ़े द्वारा किए गए बलात्कार के बाद उसे फांसी देने की मांग की जा रही है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मशाल मोर्चा का आयोजन किया गया है। इस आरोपी को बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं पर उंगली उठाई जा रही है, वह कैसे, देखते हैं इस खबर में। चंद्रपुर जिले के कोरपना में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अमोल लोढ़े द्वारा आदिवासी समाज के एक नाबालिग मासूम छात्रा पर बलात्कार किया गया। इसके बाद अमोल लोढ़े फरार हो गया था। कहा जा रहा है कि उसे भगाने में कांग्रेस के किसी बड़े नेता का हाथ था, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस के कई नेताओं ने चुप्पी साध रखी हुई है। पुलिस के प्रयासों के बाद उसे अकोला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उस पर कार्रवाई न हो इसीलिए कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा पुलिस विभाग में फोन किए जा रहे थे। इस मासूम छात्र पर बलात्कार करने वाले अमोल लोढ़े के खिलाफ मोर्चा भी निकाला गया और उसे फांसी की सजा देने की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। इसी के मद्देनजर चंद्रपुर भाजपा द्वारा मशाल मोर्चा का भी आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि वह कांग्रेस के एक नेता के साथ जुड़े रहने के कारण आरोपी पर कम से कम धाराएं लगे तथा उसे बरी करने की कोशिश भी इन नेताओं द्वारा की जा रही है, ऐसा आरोप भाजपा की ओर से किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कोरपना में हमने देखा कि किस प्रकार से 12 साल की बच्ची के साथ कांग्रेस का युवक अध्यक्ष रहने वाले हरामखोर आरोपी ने बच्चियों के साथ दुष्कृत्य किया है। आज एक बच्ची आगे आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें, और बड़े जिम्मेदारी से मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें एक नहीं बहुत सारी महिला बच्चियां ये विक्टिम है। 10-12 साल की छठवीं में सीखने वाली, 9वीं कक्षा में सीखने वाली भी बच्चियां हैं जिनके साथ इस प्रकार का दुष्कृत्य हुआ है और आरोपी को अटक भी की है। हमने ये भी सुना है कि उसको भगाने में कांग्रेस के कुछ लोगों का हाथ था, यह हमने सुना है। पुलिस के तफ्तीश में ये भी बात साफ हो जाएगी। कल CWC की टीम कोरपना आई थी और बहुत बच्चियों के स्टेटमेंट उन्होंने लिए है, तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारी लड़कियां ये आगे आएंगी।